और आपका चाय में मतलब ऐसा क्या राजा, कैसे बनाते हैं आप लोग कि इतना अच्छा टेस्ट करता है? जब मैं 2005 में जब चाय का बिजनेस शुरू किया था, मेरा यहाँ बहुत सारा कंपटीटर था, और जैसे बलवंत सिंह भी अच्छा ही खासा 100 ईयर लगभग वो है, इधर में रसल स्ट्रीट में है, और इधर में चौड़े बहुत सारे कंपटीटर थे। फिर मैं 2005 में जब चालू किया तो मेरा कोई नाम नहीं था, मुझे कोई जानता भी नहीं था। जब मैं शॉप शुरू किया तो कस्टमर से एक्सपीरियंस ले रहे थे, कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसको डेवलप किया जाए, कैसे इसको नहीं। फिर कस्टमर जब सेटिस्फाई हुआ तो लगा कि नहीं अब ठीक है। मतलब क्या चैलेंजेस आपने फेस किया था वो टाइम में, आपका कैसा फीलिंग था उस टाइम और अब आपको कैसा लगता है? उस समय बहुत ही मतलब कंपटीशन तो था ही, मतलब पहले जब शुरू किया था 1-2 महीने तक तो मतलब नेगेटिव ही चल रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या किया जाए नहीं किया जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। कस्टमर से ही पूछते थे क्या तकलीफ है भैया, क्या कम है उसमें, नहीं है, कस्टमर ही बताते थे ऐसा नहीं ऐसा करिए ऐसा नहीं ऐसा करिए। तो कस्टमर से ही मतलब नॉलेज ले लेके अपना तो मेहनत करते ही थे, नहीं और इससे अच्छा कैसे किया जाए और अच्छा कैसे किया जाए। और जब कस्टमर सेटिस्फाई तो फिर उसके बाद ही